दोस्तों अभी आप देख सकते हैं बूंदाबांदी बारिश हो रही है और हमने दो 50 वाट के पैनल को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और इस पैनल के साथ में हमने एक डिवाइस को कनेक्ट किया है और इस डिवाइस के साथ में एक ज़्यादा एम्पियर लेने वाला एक 12 वोल्ट 10 वाट का बल्ब कनेक्टेड है। अब मैं जैसे जैसे इस डिवाइस का वोल्टेज बढ़ाऊंगा और आप देखेंगे ये बल्ब धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से ब्राइट ग्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस डिवाइस की हेल्प से बारिश के मौसम में भी हमारा सोलर पैनल आउटपुट में अच्छे खासे एम्पियर दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं सोलर नेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप बारिश या फिर क्लाउडी वेदर में आप अपने सोलर पैनल से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास ये डिवाइस है, इस डिवाइस की हेल्प से ही हम लोग सोलर पैनल के एम्पियर को बूस्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल पहले मैं मौसम आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं और साथ ही रुक रुक के बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बारिश भी हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इन दोनों पैनल्स का वोल्टेज चेक करा देता हूं। दोनों पैनल पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स अभी दोनों पैनल मिलके 20.4 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। अब इन दोनों पैनल्स का मैं एम्पियर भी आपको चेक करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं लगभग 0.24 यानी लगभग 250 मिली एम्पियर के आसपास में ये जनरेट कर रहे हैं। अब दोस्तों इस डिवाइस को मैं सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट करूंगा और फिर देखता हूं कि ये डिवाइस सोलर पैनल के एम्पियर को कितना बढ़ाता है। तो दोस्तों ये है एक DC-to-DC बक कन्वर्टर मॉड्यूल जो कि 20 एम्पियर 300 वाट का है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे हमें इनपुट देना होगा सोलर पैनल के द्वारा। ये एक LED इंडिकेटर है जो पावर को दर्शाती है। ये एक ऑन ऑफ स्विच है और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से हमें आउटपुट में प्लस माइनस मिलेगा। और इधर आप देख सकते हैं दो पोटेंशियोमीटर है। देखिए ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है आप इससे वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को और इससे करंट को यानी एम्पियर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट कर लेना होगा। तो मैं कर ले रहा हूँ सोलर पैनल के साथ में इसे कनेक्टेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस बक कन्वर्टर को सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट कर लिया है और इसके अंदर पावर आ चुकी है। आप देख सकते हैं रेड कलर की LED ग्लो कर रही है। अब इस बक कन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को हम लोग 12 वोल्ट पर एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसके वोल्टेज वाले पोटेंशियोमीटर को घुमा के वोल्टेज को 12 वोल्ट पर एडजस्ट कर लूँगा। आप जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। तो देख सकते हैं वोल्टेज फिलहाल घट रहा है, 12 वोल्ट पर एडजस्ट हो चुका है। अब इसका जो एम्पियर वाला पोटेंशियोमीटर है उसको भी घुमा के एकदम लास्ट में सेट कर देंगे ताकि मैक्सिमम एम्पियर मिले। यह मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले सोलर पैनल का एम्पियर चेक करके दिखा देता हूँ कि सोलर के द्वारा अभी के टाइम में कितना एम्पियर आ रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग 270 मिली एम्पियर आ रहे हैं अभी, 0.27 एम्पियर। अब मैं इस बक कन्वर्टर के आउटपुट में आपको एम्पियर चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एम्पियर बूस्ट होकर के 1.21 हो चुका है जबकि इनपुट में हम लोगों ने 0.27 एम्पियर ही दिया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बक कन्वर्टर वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट कर दे रहा है। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अभी भी 0.27 एम्पियर इनपुट पे है। अब आउटपुट पे चेक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स अभी भी 1.21 एम्पियर आ रहे हैं अभी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक 10 वाट और 12 वोल्ट का बल्ब भी जला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं सोलर से जला के आपको दिखाता हूँ कि ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं। तो जहाँ से सोलर के वायर आ रहे हैं वहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये बल्ब जरा सा भी ग्लो नहीं हो रहा। मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ थोड़ा सा एक्सपोजर को एडजस्ट करके। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसके आउटपुट में इस बल्ब को कनेक्ट करता हूं और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये बल्ब ग्लो कर रहा है और इनपुट में जब हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया था तो एक जरा ग्लो नहीं कर रहा था और आप देख सकते हैं ये बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। अब इस टाइम मैंने फ्रेंड्स वोल्टेज को जीरो कर दिया था और एम्पियर को फुल पर रखा था। अब धीरे धीरे मैं वोल्टेज को देखे जैसे जैसे बढ़ाता हूँ और आप देखेंगे कि बारिश के टाइम में भी ये फिलामेंट बल्ब काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं मौसम का नज़ारा भी आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स अभी भी बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं पैनल के ऊपर मैं बारिश की बूंदें आप साफ देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी भी बारिश हो रही है। तो
तो दोस्तों इस तरीके से इस डिवाइस की हेल्प से आप अपने सोलर पैनल से बारिश के टाइम में भी मैक्सिमम पावर ले सकते हैं और आप अपने बैटरी वगैरह को चार्ज भी कर सकते हैं। और ये डिवाइस सिर्फ बारिश के टाइम में ही काम नहीं करेगा, सामान्य दिनों में भी जब ज़्यादा धूप तेज रहती है उस टाइम भी ये सोलर पैनल के एम्पेयर को बूस्ट करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 95% होती है। जैसे कि हमने यहाँ 50 वाट का दो पैनल कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो ये 100 वाट का हो चुका है। तो 100 वाट जब ये आउटपुट देगा सोलर पैनल, अगर आप यहाँ पे PWM कोई चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और बैटरी चार्ज करते हैं, तो वो आउटपुट में मात्र 70 वाट देगा, 30 वाट का जो है वो 30 वाट का लॉस करा देगा। जबकि ये जो डिवाइस है ये 95% एफिशिएंट है, अगर 100 वाट का सोलर पैनल है तो 95 वाट आउटपुट में ये डिलीवर कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ये बक कन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।